8-bit के ऊपर ग्रेनेड्स की बारिश हो रही है अभी एंड पोजीशंस एक-एक करके हर एक टीम के हाथ से निकल रहे हैं। एक टीम जो सेंटर पे है, एक टीम जो कॉर्नर पे है, उन्हें छोड़ के बाकी सब फाइट में इन्वॉल्व हो रखी है और बैक टू बैक ग्रेनेड्स आ रही है। 8-bit की टीम थोड़ी सी बैकफुट पे, दो प्लेयर्स यहां पर अभी के लिए नॉक आउट हो चुके हैं। इट्स ओमेगा एंड वीरू। ओमेगा गोस डाउन एज वेल, वीरू बीइंग द लास्ट लाइफ, द लास्ट होप फॉर टीम 8-bit। बैक टू बैक ग्रेनेड्स यहां पर स्पैम किए जा रहे हैं, बेनी सर्वाइविंग एक और ग्रेनेड यहां पर सक्सेस की टीम का और टेबल टॉपर्स को यहां से अभी के लिए अर्ली इन द मैच एलिमिनेट कर दिया जाता है। राइजिंग स्टार्स फ्रंट यहां पर आते हुए 8-bit की टीम को एलिमिनेट कर जाते हैं और टेबल में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उधर अगर आप जोनाथन की टीपी का कमाल देखना चाहते हैं तो नाउ इज द राइट टाइम, जहां पर आरआईबी राइवलरी के प्लेयर्स को डाउन कर दिया जाता है। वेल अगर बात करेंगे सेल्सियस की, 11 फिनिश पॉइंट्स भी वो बना चुके हैं, दैट्स अ ह्यूज नंबर। रेगल टॉस को स्पॉट किया जाएगा, रेगल टॉस जीगॉट को भले ही नॉकआउट करते हैं लेकिन जवाब आने वाला है शैडो की तरफ से। नॉट ओनली नॉक, यहां पे एलिमिनेट भी किया जाएगा, रिस्क कोई नहीं लेना चाहते हैं। रेगल टॉस सर्वाइव करना सोल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जीगॉट जो कि नॉकआउट हो गए थे, नियो आते हैं रिवाइव डालेंगे एंड सर्कल फिर से फेवर करेगा टीम गॉडलाइक को, धीरे धीरे करके क्रीप इन करने की कोशिश कर रहे हैं टीएसएम, लेकिन टीएसएम के कंट्रोल में है दूसरी टीम। मैरकोस गेमिंग यहां पे आके आते हैं, सेल्सियस के साथ एंगेज करेंगे एंड बचना पड़ेगा या तो टीएसएम सर्कल के अंदर चली जाए जो थोड़ा सा मेकआउट बन सकता है। एक्जेक्टली वही होता आपको देखने को मिल जाएगा। आई थिंक ईस्टर्न एरिया की रोटेशन शुरू हो चुकी है टीम सोल से और वही होनी भी चाहिए थी, बट उसके बीच में एक प्लेयर को नॉक एंड फिनिश कर दिया गया। आई थिंक दैट्स गोना बी वाइपर, मार्कोस गेमिंग ऑन टू द अदर साइड। एक अच्छे इसी लिए के क्लस्टर में एनिग्मा के प्लेयर्स के साथ यहां पर फाइट मैन इन्वॉल्वड है और पिछले मैच में एनिग्मा एक्चुअली डिड अ ब्लंडर, उसको अब कंपनसेट करने के लिए इस मैच में थोड़ा सा बेटर यहां पर परफॉर्मेंस करना होगा, बट वो करने का दे रहे हैं। चारों घोड़े एक नॉक करते हैं बट इंस्टेंट पनिशमेंट मिलती है नियो की तरफ से। नियो का नेट जाता है जो मॉडल को डाउन कर जाता है। टीम सोल यहां पर थोड़ी सी दिक्कतों में अकेले, दी आईजीएल मवी सर्वाइव करते हुए क्या यहां से बेहतर पोजीशन पॉइंट्स लेके जा पाएंगे अपनी टीम के लिए। मवी के पास मौका है कि वो आगे बढ़े एंड टीएसएम को एंजॉय, टीएसएम के साथ एंगेज करे। टीएसएम नहीं सिर्फ उनको यहां पे एंगेज करना पड़ेगा, गॉड लाइक भी साथ भी। अगर आप देख रहे हैं नियो एक कंप्लीटली जो ये जो प्लेन का ट्रेंच है ना वहां पर होल्ड कर रहे हैं एंड जैसे कि आप देख रहे हैं टीएसएम प्लेस को प्रेशराइज किया जाता है। गॉड लाइक जोनाथन आगे आने वाला है, क्लच गॉड का डीपी भी यहां पे बात करता हुआ। नियो शटिंग डाउन टू प्लेयर्स राइट नाउ, पांच फिनिशेस आ चुके हैं, किया जाएगा वो देखने वाली चीज रहेगी। गॉड लाइक जो जोन के बिल्कुल सेंटर में थी फायदा उठाया, फिनिशेस कम है बट एक अच्छे मैच के अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हुए बात कर रहे थे सोल के आखिरी बचे हुए खिलाड़ी की, उन्हें सर्कल का डैमेज मिल जाता है। टॉप सिक्स पे ये मैच टीम सोल के लिए अभी रुक जाता है। वेल फिलहाल के लिए अगर आप बात करेंगे टीएसएम एफटीएक्स की, वेल टीएसएम के खिलाड़ी यहाँ पे, वेल टीएसएम के दो खिलाड़ी बने हुए हैं एंड उनको काफी काम एंड कंपोज खेलना पड़ेगा। एक साइड में गॉड लाइक है, दूसरे साइड में सेल्सियस है, सेल्सियस के पास कवर है एंड पीछे से यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉकर ऑलरेडी एडीएस ओपन कर चुके हैं। गॉड लाइक के खिलाड़ी निशाने में आते हुए शॉट सिर्फ कनेक्ट नहीं हो रहा है। 17 एचपी 34 एचपी का डैमेज दिया गया है, लॉकर को भी पड़ता है डैमेज। जायरो गॉड पीछे से बोलेंगे हाय एंड करेंगे यहाँ पे लॉकर को नॉकआउट। क्लच गॉड पॉट करेंगे यहाँ पे उस रेंज से, एक से नॉकआउट करेंगे क्लच गॉड एक खिलाड़ी को, लेकिन एगी इमीडिएटली रिस्पोंड करते हैं एनिग्मा के क्लोक यहां पे विज गॉड का फिनिश निकाल के जाएंगे एंड पांच फिनिशेस के साथ-साथ अभी भी गॉड लाइक के चारों खिलाड़ी बने हुए हैं। बिल्कुल, अब साथ ही साथ निंजा की अगर आप बात करें तो ये पहले भी एक बार पार्टी स्पॉइलर का रोल अदा कर चुके हैं और एक बार फिर से इनके पास मौका है। देखिए किस तरीके से धीरे धीरे क्रोडाउन होकर आगे जा रहे हैं और एक कुछ दो ग्रेनेड्स बहुत ज्यादा दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं बिकॉज एक क्लस्टर में इन्वॉल्व है, एक ही जगह पर यहां पर क्लस्टर में खड़े हुए हैं सारे गॉडलाइक के खिलाड़ी। कोई इंटर नहीं है कि पीछे से निंजा आने वाले, कोई वो स्टेप नहीं दे रहे हैं। कोहरा जैसे ही हट जाएगा, बट हटने नहीं दिया, नियो ने यहां पर काफी स्मार्ट मूव दिखाया, बेहतर तरीके से यहां पर स्मोक कर दिया। सेल्सियस की बारी अब एक बार फिर से आ जाती है, एकेएम का यहां पर फिर से अपनी बार वोट होता है, दोनों एकेएम चला रही है खिलाड़ी, एकेएम पर इतना भरोसा, एक पे रेड डॉट दूसरे पे सिक्स एक्स। सेल्सियस लोको आज सामने वाले प्लेयर्स को यहां पर आज ये लोको डाउनलोड करता हुआ सामने रौनक मिल जाएगी। ये भी एकेएम चला रहे, एकेएम वर्सेस एकेएम की काफी हीट अप बैटल हो चुकी है। मार्कोस के प्लेयर्स स्मोक्स के अंदर है, प्री पास करते हुए आगे जाना चाहिए, आगे जाके उन्हें मौका नहीं देना चाहिए और जो प्लेयर्स नॉक है उन्हें प्रेशर किया जाता है। एक खिलाड़ी अभी भी बचा हुआ नेम इज रौनक, हल्के में नहीं ले सकते हैं, डॉट एचपी पर बचे हुए हैं। मार्कोस गेमिंग की टीम को डाउन कर दिया जाता है, राइजिंग स्टार्स की परफॉर्मेंस एक आसमान की ऊंचाइयों को छूती हुई। इट्स अ 4v4, वी हैव गॉड लाइक, वी हैव टीम सेल्सियस जो यहां पर अपनी छाप छोड़ के जाना चाहती है, अपना नाम बना के जाना चाहती है।
गाड़ी अवेलेबल है जॉनथन के पास। जॉनथन यहाँ पे कोशिश करेंगे गाड़ी से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पाए। जी गॉड यहाँ पे गाड़ी पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो जॉनथन यहाँ पे गाड़ी लेके घूमने वाले हैं, फ्लैंक करेंगे एंड धीरे धीरे करके आगे भी बढ़ने की कोशिश यहाँ पे है। क्लच गॉड यहाँ पे एक ही का जो है फिनिश कंफर्म कर जाएंगे। इसका मतलब है सेल्सियस दे हैव 16 फिनिशेस राइट नाउ। क्लच गॉड यहाँ पे प्रेशराइज करते हुए नजर आएंगे। क्लच गॉड को इन्फॉर्म कर जाता हूं ही इज नॉट स्टॉपिंग। एक खिलाड़ी को नॉकआउट करने का पुशिंग करने वाले हैं। जॉनथन यहाँ पे लोगों को नॉकआउट करते हैं गाड़ी से। लॉकर द फाइनल होप आखिरी फर्स्ट के साथ सर्वाइव करने वाले हैं। वेयर इज लॉकर? लॉकर को घेरा गया हर एक एंगल से। जी गॉड एफपी मोड में M249 लेके आगे बढ़ने वाले हैं। कहां पर लेते हैं लॉकर? जी नहीं, यहां पे सेल्सियस के लिए एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, बट गॉड लाइक कम्स बैक इनटू द गेम टुडे विद दैट विनर विनर चिकन डिनर। देखिए क्लच गॉड आई